हेलो सर, आवाज सुन रहे हैं? हाँ नमस्ते। लेकिन बहुत देर से लाइव चल रहा है, 11 मिनट बता। सर उस दिन टेक्निकल ईयर हो गया था। चलिए तो सॉरी शुरू सर किया जाए। उसके लिए। तो हम आज हमारे साथ हैं उस मित्र सर जो बिहार के एक चर्चित लेखक हैं और कोसी रेडियो नील का दाग मिटा, और इनकी अभी हाल फिलहाल में एक किताब आई है रुकता पुल, जो बिहार की सामाजिक समस्याओं को लेकर के काफी चर्चित किताब रही और बिहार के इलेक्शन में काफी इसका प्रभाव रहा। तो हम आज उनसे बात करते हैं कि बिहार में जो नालंदा और तेल्हाड़ा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो एक शिक्षा की परंपरा रही थी और वो जो बर्बाद हो गई, तो उस सिलसिले में आज हम बिहार को कहाँ देखते हैं और इन विश्वविद्यालयों को पुनः स्थापना करने के लिए क्या रूपरेखा तय होगी और कैसे ये सब चीजें वापस आएगी भी, और बिहार की जो धरती, जो ज्ञान की धरती कहलाती थी, उसको कैसे हम वापस लाएं। इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे कुमार सर से। सर तो मैं क्या सर, जी आगे की बात तो नमस्ते है कुछ मनीष मित्र सर जी। रखें। जी सर तो अपनी बात मैं शुरू करूं क्या? जी सर जो भी लोग देख रहे हैं इस लाइव को, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीष जी बहुत ही अच्छे अध्येता हैं और उनसे मेरा कुछ दिन पहले संपर्क हुआ था, कुछ महीने पहले, एक परियोजना के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने में। और उसके बाद से मैं लगातार इनको जो फॉलो करता हूं, तो देखता हूं किस तरह से ये बिहार के विभिन्न धरोहरों को लेके भी उत्सुक रहते हैं और बिहार की विभिन्न समस्याओं को लेके भी। तो एक बड़ा मौजू विषय उन्होंने उठाया है कि बिहार में जो पहले विश्वविद्यालय हुआ करते थे, चाहे वो तेल्हाड़ा हो, नालंदा हो या विक्रमशिला हो, ये जो तीन बड़े विश्वविद्यालय प्राचीन काल में बिहार में होते थे, वो तो खैर खत्म हो गया समय के साथ, लेकिन वो जो परंपरा थी वो भी खत्म हो गई। और इस परंपरा को कैसे फिर से शुरू किया जा सके? प्राचीन भारत और आर्कियोलॉजी का मैं बहुत जानकार तो हूँ नहीं, जितनी जानकारी सामान्य लोगों को रहती है उतनी ही जानकारी मेरी भी है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तेल्हाड़ा के बारे में। इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ने के की वजह से ये समझ में आया है कि प्राचीन काल में जो हमारा सबसे पुराना शिक्षण केंद्र, जो बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, वो तक्षशिला था, जो पाकिस्तान के इलाके में अभी है। और तक्षशिला के बाद जब दूसरे विश्वविद्यालय बिहार में विकसित हुए, उनमें बिहार के ये तीन विश्वविद्यालय बहुत प्रमुख रहे, तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और संयोग से तीनों जो है बौद्ध अध्ययन केंद्र रहे हैं और बौद्ध धर्म के अलग अलग संदर्भों की यहाँ पढ़ाई होती है, होती रही थी, और काफी दिलचस्प पढ़ाई जाती थी। कि आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, और खास तौर पर उन देशों से जहाँ बौद्ध धर्म ने धीरे धीरे बुद्ध के बाद अपना अपनी पकड़ मौजूद की, श्रीलंका हो या चीन हो या तिब्बत हो या
इधर के अफगानिस्तान और मध्य एशिया के मुल्क जो हो, वहां के लोग और भी दूसरे देशों के लोग आते रहे होंगे, उनका बहुत ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन चीन के और श्रीलंका के लोगों का तो खूब वर्णन मिलता है, और तिब्बत के लोगों का। तिब्बत के लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय से भी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी कई धर्म ग्रंथों का अनुवाद अपने साथ लेके वे लोग गए अपने देश। यहाँ तक कि यहाँ के जो लोग अध्यापक थे, मशहूर अध्यापक, उनको भी अपने साथ वहां ले ले जाया गया, और यहाँ के अध्यापकों ने बड़ा काम किया और उनका बड़ा नाम आज भी उनका बड़ा नाम रहा है। जैसे विक्रमशिला के जो थे अतिश दीपंकर, उन्होंने तिब्बत में जाके लमाइज्म को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। उसी तरह से नालंदा में रहे थे सरापा, सरापा काफी बड़ा नाम है इसमें, बौद्ध धर्म की एक शाखा को भी विकसित करने में, और कई लोग तो हिंदी के आए आदि कवि उनको मानते हैं, वो बहुत अच्छे कवि और गीतकार थे। तो कई उस जमाने के अध्येता प्राध्यापक और यहाँ के छात्र ऐसे हुए जो जिनको आज तक जिनका नाम लिया जाता है, और जाहिर सी बात है कि ऐसी परंपरा रही होगी शिक्षा की जिस वजह से आज तक उनका नाम लिया जाता है। तो ये तीन विश्वविद्यालय बताते हैं कि प्राचीन काल में बिहार में शिक्षा की कैसी स्थिति थी और कितना गजब का यहाँ का माहौल था कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, सीखने आते थे, वेनसांग आए, उससे पहले भी भाइयान आए और भी दूसरे लोग आए ये सीख के गए। तो जाहिर सी बात है कि इतना आकर्षण रहा होगा लोगों में उस जमाने में, जब सफर करना इतना आसान नहीं होता था, लोगों को पैदल चलना पड़ता था, बैलगाड़ियों से चलना पड़ता था, या फिर अगर आते थे तो नौकाओं से समुद्र के रास्ते से आते होंगे। उस जमाने में इतनी दूर यात्रा करके लोगों का आना, हालांकि तक्षशिला में भी लोग दूर दूर से आते रहे हैं, लेकिन तक्षशिला के साथ साथ इन तीनों विश्वविद्यालय में भी बौद्ध धर्म से जुड़े संदर्भों का अध्ययन करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म के साथ साथ दूसरे संकायों को पढ़ने के लिए भी आते थे। इसी वजह से आप देखेंगे कि मगध और आसपास के इलाके में बड़े जानकार हुए, आर्यभट्ट हुए, पाणिनि हुए, और भी बड़े जानकार हुए अलग अलग विषयों के, व्याकरण के, गणित के, विज्ञान के, ये धर्म से संबंधित संकाय नहीं थे लेकिन इनके जानकार भी हुए। तो उसकी वजह भी यही रही होगी कि ये विश्वविद्यालय यहाँ आसपास में इतने विकसित थे। अब जहां तक ये सवाल है कि ये विश्वविद्यालय खत्म कैसे हो गए और क्या आज के बिहार में इस तरह की चीजों की फिर से शुरुआत की जा सकती है या नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं प्राचीन भारत का या आर्कियोलॉजी का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ। मैं नहीं कह सकता हूँ कि उस समय की क्या व्यवस्था थी, कैसे वहाँ पढ़ाई लिखाई चलती थी, क्यों इनका इतना बड़ा महत्व था, लेकिन एक बेसिक चीज जो मेरे समझ में आती है वो ये कि हम लोगों ने अभी तक नालंदा, विक्रमशिला और तिलहाड़ा, इनकी इमारतों, इनके रखरखाव पर और इन यात्रियों ने जो वर्णन किया है, इन्हीं वर्णनों में उलझे हैं। हमने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि वहां की पढ़ाई की व्यवस्था कैसी थी, या वहां कैसे ग्रंथ लिखे जाते थे, कैसे रखे जाते थे, किन संकायों की पढ़ाई होती। हमने उनके हार्डवेयर को पकड़ा और सॉफ्टवेयर को नहीं पकड़ा। इसलिए जब देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर एक और विश्वविद्यालय बिहार में बना, तो वो एक डेकोरेटिव विश्वविद्यालय बन के रह गया, और हालांकि वो भी अपने पूरे रूप में नहीं आया है। वहाँ जैसा कि मुझे अभी मनीष जी ने पिछले दिनों बताया था कि काफी फीस है वहाँ, बहुत ज्यादा फीस है और बहुत कम छात्र होते हैं, ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, जैसे तैसे चल रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने हमारी सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए उनके उनके जैसा एक और विश्वविद्यालय बनाने की कोशिश की। सरकार ने ये नहीं समझा कि आखिर कौन सी खासियत रही होगी पढ़ाई लिखाई, भवनों की नहीं और इसके दूसरे आकर्षण नहीं, पढ़ाई लिखाई के पैटर्न में क्या ऐसी खासियत थी जिसको हमको फॉलो करने की जरूरत है। आज पूरे देश में हमारे यहाँ हर जगह जो पढ़ाई होती है वो उस पैटर्न से होती है जो पैटर्न अंग्रेजों ने शुरू किया, उससे पहले के सारे पैटर्न खत्म हो चुके हैं जो हमारे यहाँ शिक्षा की परंपरा थी। कैसे शास्त्रार्थ होते थे, कैसे विद्यार्थियों का शिक्षा के लिए चयन होता था, गुरु शिष्य की क्या परंपरा रही थी, और कैसे ग्रंथ लिखे जाते थे, फिर उनका
कैसे पठन पाठन में उपयोग होता था। तो वो जो हमारा सिलेबस था, हमको उस सिलेबस को फॉलो करने की जरूरत है, जो मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि नालंदा और विक्रमशिला के खत्म होने के बाद बिहार में पठन पाठन की परंपरा खत्म हो गई थी। उसके बाद भी पठन पाठन परंपरा अपने तरीके से बिहार के अलग अलग इलाकों में चलती रही। इसलिए आप देखेंगे कि भले बौद्ध धर्म का शिक्षण खत्म हो गया, लेकिन मिथिला के कई इलाकों में आप पाएंगे यहाँ न्याय दर्शन को लेके खूब कई स्कूल थे, जिन्हें टोल कहा जाता था। वो टोल हाल हाल तक अंग्रेजों के समय तक वो टोल रहे हैं। टोलों में गुरु और शिष्य एक साथ बैठते थे और वो परंपरा पठन पाठन की जिंदा रहती थी। उन टोलों से कई ऐसे न्यायविद निकले जो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राजघरानों में जाकर जिन्होंने न्याय शास्त्री का पद संभाला या राजपंडित का पद संभाला। वो वहाँ के राजाओं की मदद करते थे न्याय करने, क्योंकि वो न्याय दर्शन के विद्वान थे। अंग्रेजों के शासन तक, अंग्रेजों ने भी कई रिपोर्ट ऐसी लिखी है कि इन इलाकों में कैसे टोल में शिक्षण पठन पाठन की परंपरा थी। जाहिर सी बात है, दूसरे इलाकों में भी अलग तरीके की परंपरा पढ़ने पढ़ाने की रही होगी। तो वो जो प्राचीन परंपरा रही थी, जिसका इतना महत्व अभी तक रहा है और आज हम लोग उसको लेकर गौरवान्वित होते हैं, उस परंपरा के बीज को पकड़ने की जरूरत है मुझे लगता है, और समझने की जरूरत है कि वो किस तरह से अपने छात्रों को पढ़ाते थे और शिक्षक और छात्रों के बीच में क्या पठन पाठन की व्यवस्था थी। आज जो हमारे पढ़ने लिखने की परंपरा है, उसका मूल आधार यह है कि सरकार ने शिक्षण संस्थान बना दिए और उसमें शिक्षकों की नियुक्ति कर दी और छात्रों का एडमिशन करा दिया। अब पढ़ाना छात्र शिक्षकों की ड्यूटी है और पढ़ना छात्रों को है। इसमें शिक्षक और छात्र के बीच में बहुत ही व्यावसायिक किस्म का संबंध है। शिक्षकों को चूंकि सैलरी पानी है और छात्रों को फीस देनी है, और उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई चलनी है। आप देखेंगे कि इस वजह से हमारे शिक्षण परंपरा में बहुत सारी दिक्कतें भी आई। आप ये देखिए कि 25-30 साल, 4-35 साल पहले तक, 25-30 साल भी आप मान के चल रहे, तो हमारे गांव में जब कोई शिक्षक गांव की गलियों से गुजरता था तो लोग उन्हें प्रणाम करते थे और बहुत सम्मान देते थे। मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं और उन्होंने अपने पूरे कैरियर में कहीं भी किराए का मकान नहीं लिया। वो गणित के शिक्षक थे, जहां भी उनका तबादला होता था, हजारों में करना चलती हुए कई लोग उन्हें ऑफर करते थे कि आप हमारे यहाँ रहिए और हमारे इस बहाने आप हमारे बच्चे कुछ आपसे सीख जाएंगे। ये सम्मान था, कहीं उनको किराए का मकान नहीं लेना पड़ा। वो कोशिश करते रहे लेकिन नहीं ले पाए। लोगों ने उनको अपने ही यहाँ रहने की जगह उपलब्ध कराई फ्री में। कई लोग उसके लिए लाइन लगी रहती थी और ये भी रहता था कि आप हमारे यहाँ रहिए तो हमारे यहाँ रहिए। खाने पीने के लिए भी कभी उनको सोचना नहीं पड़ा। दूर दराज के गाँव में ऐसे ऐसे इलाकों में उनका तबादला हुआ। पूर्णिया का एक इलाका है, पायसी, जो मुस्लिम बहुल इलाका है और काफी दूर, महानंदा और दूसरी नदियों के किनारे है, काफी दूर दराज वाला गांव है। वहाँ पिताजी की पोस्टिंग हुई थी, तो वो नदियों को पार करके उनको जाना पड़ता था। सप्ताह में एक दिन वो जाते थे और अगले सप्ताह पूरा होने के बाद वापस घर आते थे। तो वहां भी बड़े सम्मान से लोगों ने उनको रखा और पूरा ध्यान रखा कि ये हिंदू व्यक्ति है, इनको कैसे खान पान की जरूरत है और क्या चाहिए, कैसे माहौल की जरूरत है, क्योंकि उनका आकर्षण था कि इनके रहने से बच्चे हमारे सीख जाएंगे। और मेरे पिताजी ने पूरे जीवन में कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया, गणित के शिक्षक रहने के बावजूद। कई लोग उनको सलाह देते थे कि आप ट्यूशन करेंगे तो आपका ज्यादा चलेगा, लेकिन उन्होंने ट्यूशन नहीं पढ़ाया। लेकिन सुबह शाम उनके पास बच्चों की भीड़ रहती थी और उन्हें पढ़ाते थे। कई बच्चों को उन्होंने इस तरह से पढ़ाया भी। ऐसे भी ऐसे बहुत सारे शिक्षक रहे होंगे 25-30 साल पहले तक। तो उन शिक्षकों के की वजह से एक पीढ़ी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए भी बेहतर जगह पर गई। वो उसी परंपरा का हिस्सा है जो परंपरा मुझे लगता है कि नालंदा, विक्रमशिला और तेल्हाड़ा में शुरू हुई होगी। वो धीरे धीरे फिर मिथिला के टोलों में आई होगी और फिर जब अंग्रेजों के शासन में सरकारी स्कूल शुरू हुए और आजाद भारत में उस तरह के स्कूल शुरू हुए, तो शिक्षकों को लेके जो लोगों की मन में की धारणा थी, वो धारणा तब तक बनी रही होगी जब तक व्यावसायिक जमाना शुरू नहीं हुआ होगा। और शिक्षकों ने उसी प्रेम से, उसी आह्लाद से अपने बच्चों को पढ़ाया होगा।
वो जो एक गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो सहज रिश्ता उस वक्त भी बना रहा होगा। इसलिए 25-30 साल पहले तक हम देखते हैं कि शिक्षकों का सम्मान पूरे इलाके में रहता था, और शिक्षक जो पढ़ा देते थे उससे बच्चे आगे बढ़ जाते थे। गांव के स्कूलों के बच्चे कई IAS हुए, IPS हुए, बड़े बड़े पदों पर गए, सरकारी स्कूलों के बच्चे। आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा क्लर्क भी बन सकता है, ये भी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी स्कूलों में अब धीरे 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 पठन पाठन की पूरी परंपरा ध्वस्त हो गई। अब वहाँ सरकारी स्कूलों में शिक्षक भी ऐसे नियुक्त हो रहे हैं जिनके योग्यता की परख ठीक से नहीं की गई है, पहली बात। दूसरी बात कि वहाँ शिक्षकों से दूसरे काम ज्यादा लिए जाते हैं, और शिक्षकों की भी उसमें रुचि बढ़ गई है क्योंकि उसमें कमाई के अवसर हैं। अब तक शिक्षक कमाई का पेशा नहीं माना जाता था, अब धीरे धीरे वो कमाई का पेशा बन गया है, और कमाई का पेशा जब बन गया है तो सहज सी बात है कि वहाँ पढ़ाई लिखाई की परंपरा खत्म हो गई। असर जो रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट में हम बार बार ये देखते हैं कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं 5वीं 6ठी कक्षा तक वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, गणित के सवाल हल करना नहीं जानते हैं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की बड़ी कमी है। और गुरु शिष्य का जो सहज रिश्ता है वो ठीक से क्यों नहीं बन पा रहा है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और उसके बीच मुझे लगता है कि नालंदा, तेल्हाड़ा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थानों में तलाशनी चाहिए। इतिहास में कई लोगों ने उस पर किताबें जरूर लिखी होगी, तो वो समझना चाहिए कि आखिर किस तरह से वहाँ शिक्षकों और छात्रों के बीच का संबंध था, और क्या वो संबंध आज स्थापित हो सकता है। वो भी आखिरकार किसी सरकार नहीं बनाए होंगे, वो विश्वविद्यालय पब्लिक नहीं बना सकती है। हम सब जानते हैं कि मौर्य वंश से लेके पाल वंश तक के शासकों ने जो जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, उन्होंने ऐसे विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया। उनके संरक्षण से ही ऐसे विश्वविद्यालय चले और अच्छी तरह से चले, और उसमें भी उन्होंने वो ऐसी व्यवस्था की कि गुरु और शिष्य का स्वाभाविक रिश्ता बना रहे, जो भारत की अपनी पुरानी परंपरा रही है पढ़ाई लिखाई की वो चलती रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस परंपरा को बचाना है तो वो परंपरा हमारे बिल्डिंग से नहीं बचेगी और आर्किटेक्ट से नहीं बचेगी, वो परंपरा उस परंपरा को पकड़ने से बचेगी जिसकी वजह से उसकी ख्याति थी, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। शिक्षकों का वो डेडिकेशन था, प्यार था, वो कैसे हुआ ये समझने की ज्यादा जरूरत है मुझे लगता है। अगर ये एक बार हम लोग समझ लेते हैं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन जब तक हम शिक्षा व्यवस्था को व्यावसायिक जैसे जैसे बनाते रहेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होना है, उससे सिर्फ नुकसान ही होना है मुझे लगता है। और शिक्षक के पेशे को कैसे हम लोग व्यावसायिकता से दूर करें और उसको सम्मान से जोड़ें, ये काम सरकार को करना पड़ेगा। आदमी को अगर अपने उसके काम से सम्मान मिलता है तो उसके पास धन अपने आप आ जाता है, उसके धन के लिए भटकने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आदमी धन के पीछे भटकने लगता है तो फिर उसका उद्देश्य धीरे 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 खत्म हो जाता है। तो धन की व्यवस्था ऐसे हो कि उसको धन के शिक्षक को धन के बारे में नहीं सोचना पड़े, लेकिन साथ ही साथ उसको इस परंपरा से जोड़ा जाए ताकि उसका छात्रों के साथ सहज संबंध बने और एक पढ़ाई लिखाई की बेहतर परंपरा शुरू हो, जो बिहार में हमेशा से रही है, उसको हम लोग फिर से, जो पिछले 30-40 साल में ब्रेक हो गई है, उसको फिर से रिवाइव कर। मुझे लगता है कि ये बात मैं कहना चाह रहा था। अगर इस संबंध में आपको कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मनीष जी, आप भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी, धन्यवाद। मनीष जी, शायद आप म्यूट हैं। सर, आपकी जो बातें थी कि आपने कहा कि जो शिक्षा बेसिकली एक व्यवसाय या धन कमाने की जगह पे एक उसमें एक डेडिकेशन होना चाहिए, और जो शिक्षक हो वो एक चरित्र निर्माण करता है। तो ऐसे जो चरित्र परंपरा थी नालंदा और विक्रमशिला और तिलहाड़ा की, कि जो जहाँ के पढ़े छात्र जहाँ जाते थे तो वो एक बड़े नाम उनका था, जैसे सिलभद्र थे जिनके नाम पर सिलाब बसा था, उनका गांव था। और ऐसे ही आपने जिनको नाम लिया कि आर्यभट्ट इसी इलाके में हुए, और कालिदास को भी कहते हैं लोग कि इसी इलाके में हुए थे। तो एक बृहद परंपरा ही है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की प्राचीन काल से, और वो 11वीं शताब्दी तक कहें तो
सुरक्षित था, और 1000 सालों तक अगर बिहार के नालंदा और जो बिहार के इलाका था, जो उन इलाकों में कोसी का इलाका हो या मंडन मिश्र उधर को थे, मंडन मिश्र का जो इलाका था, और कभी मैथिली के भी लोग हुए, तो ये एक जो शिक्षण परंपरा थी मिथिला, आंध्र प्रदेश में और मगध, ये तीनों इलाके में जो शिक्षण परंपरा की एक गौरवशाली जो एक इतिहास रही है, तो वर्तमान समय में ऐसा सर क्या हुआ कि आज़ादी के बाद बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था में किस कान से लोग जानते हैं, तो इस संदर्भ में सर क्या देखते हैं और कैसे इसमें किस तरीके से सुधार हम कर सकते हैं? देखिए, जो हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था रही है उसमें शिक्षक का हासिल पैसा नहीं होता था, शिक्षक का हासिल उसमें सम्मान था, शिक्षक की कमाई सम्मान हुआ करती। जो गली में गुजरते हुए शिक्षक को देख के बदमाश लोग रास्ता छोड़ दें, छात्र प्रणाम करने लगे, छात्रों के पिता भी प्रणाम करने लगे, उनको अपने दरवाजे पर ठहराने के लिए होड़ मच जाए, तो ये सम्मान की जो कमाई थी वो शिक्षकों की असली कमाई हुआ करती थी पहले। लेकिन धीरे धीरे आजादी के बाद समझा गया कि नहीं, पैसे की कमाई उसको ही होनी चाहिए, पैसे की कमाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। पैसे की कमाई ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती, पहले भी जो विभिन्न जगहों पर विश्वविद्यालयों में रहे होंगे शिक्षक, उनको धन भी मिलता होगा, लेकिन धन उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं थी और धन को वो लोग जेब में रखते थे, सिर पर नहीं रखते थे। लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि शिक्षकों को धन से जोड़ा जाने लगा, और विद्यालयों में ऐसे हाल के वर्षों में जैसा मैंने बताया कि ऐसी कई चीजें हुई जिससे शिक्षक के कमाई के और गलत तरीके से कमाई के अवसर पैदा हुए, जैसे मिड डे मील हो, स्कूल के भवन का निर्माण हो, और इस तरह की जो गतिविधियां हैं ये सारी चीजें शिक्षकों को दे दी गई, जबकि शिक्षकों का इससे कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ एक जो मैंने जिक्र किया कि ट्यूशन पढ़ाना, जो सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में जो अच्छे शिक्षक थे पहले ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे, मेरे पिताजी ने कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन हम लोगों ने देखा कि 80 के दशक से एक अच्छे कॉलेज में भी जो शिक्षक रहे हैं वो ट्यूशन पढ़ाने लगे, और पता चला कि फिजिक्स के अच्छे शिक्षक हैं और उनका कोचिंग चल रहा है, तो शिक्षक खुद भी पैसे कमाने के की परंपरा से जुड़ गए। और दूसरी बात ये हुई कि जो सरकार थी, सरकार को भी लगा कि शिक्षकों को पैसा मिलना ज्यादा जरूरी है, सम्मान को जरूरी है, तो एक ऐसी अलग ढंग की प्रोफेशनल व्यवस्था जन्म हुई, जन्म ली, जिसमें शिक्षक और छात्र के बीच का, और शिक्षक और अभिभावक के बीच का, और शिक्षक और समाज के बीच का जो संबंध, स्वाभाविक संबंध था, वो सम्मान का संबंध था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। आज कोई शिक्षक कहीं किसी गाँव से गुजरे तो कोई उसको प्रणाम नहीं करता है और कोई उसको सम्मान से अपने दरवाजे पर नहीं बुलाता है। पहले का जमाना ऐसा था कि शिक्षक को स्कूल से लौटते वक्त जो है 1 घंटा लगता था, क्योंकि उसको हर दरवाजे पर सर आइए, सर 2 2 मिनट बात कीजिए, तो ये चीज जो है ये खत्म हो गई। जी आप म्यूट हैं मनीष जी, मनीष जी आप म्यूट हैं। जो लास्ट टाइम हमने परिचर्चा की शुरुआत जो पहला एपिसोड में हमने किया था अतुल कुमार वर्मा सर से, वो पुरातत्व विभाग से जी थे, जो जिन्होंने बिहार सरकार से पुरातत्व विभाग से थे, जिन्होंने तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय की खुदाई करवाए थे, उत्खनन करवाया था। उनका कहना था कि ये जो नालंदा, तेल्हाड़ा और विक्रमशिला के नष्ट होने के पीछे लोकल लोगों का हाथ था, कि जो बौद्ध धर्म में या उसमें जो अभिसंगतियां आई उसका प्रभाव लोकल लोगों को उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था। तो जब जैसे संस्थाएं का जब संस्थाओं का हम निर्माण करते हैं, जैसे इसमें नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, तो एक सर इस पर आपका क्या राय है कि क्या वहां के जो लोकल लोग हैं उनको उस संस्था से जोड़ के रखा जाए? इस पर सर आपका क्या कहना है कि किस तरीके से उनको जोड़ा जाए उस संस्थाओं से, ताकि जो वो है उनको महसूस हो ये हमारी अपनी संस्था है, इसमें हमारे भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो एक जो जुड़ाव का जब विषय है, जिन जो पिछली बार सर ने कहा था कि कहीं ना कहीं वो जुड़ाव जो था उसमें कुछ दिक्कतें आई थी, तभी उन लोगों ने बुला करके बहुत ही इत्मीनान से बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था। उन्होंने पिछली चर्चा में बताया था कि 1 मीटर तक की 1 मीटर की हाइट में सिर्फ उनको राख ही राख मिला तेल्हाड़ा में। तो सर वर्तमान समय में जब हम पुनः निर्माण की बात करते हैं तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की,
उससे उसमें जो लोकल लोगों का जो भागीदारी है और उनका जो शिक्षा के प्रति जो योगदान होगा, उस सिलसिले में आपका सर क्या अनुभव है और उस पर आपके क्या, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मनीष जी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इतिहास में मेरी बहुत ज्यादा जानकारी तथ्यपरक नहीं है, लेकिन अनुमान के आधार पर जो मुझे समझ में आता है वो ये कि इन विश्वविद्यालयों से स्थानीय लोगों की दूरी क्यों रही होगी, या रही होगी कि नहीं रही होगी, और क्यों उन्होंने सहयोग दिया इस तरह की गतिविधियों को और क्यों जलाया गया। तो पहले तो जो कारण उन्होंने बताया कि उन संस्थानों के आम लोगों से दूरी हो गई थी, वो इसलिए हुई थी कि बौद्ध धर्म जब अपने आखिरी चरण में भारत में था तो इसमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, तंत्र यान वज्रयान जैसी शाखाओं का उदय हुआ, जो एक अलग धर्म के चीजों को करने लगे धर्म के नाम पर। जैसे उसमें तंत्र मंत्र जादू टोना होता था, और उस जादू टोना में शराब कुंवारी कन्याओं का के साथ जो वो लोग कहते थे कि हम इस कुछ धार्मिक कृत्य कर रहे हैं, लेकिन वो धार्मिक कृत्य आम लोगों की नजर में नहीं था। तो कई लोगों का यह भी कहना है कि देश में जो बाल विवाह की शुरुआत हुई वो इस वजह से भी हुई कि बौद्ध साधुओं ने जब कुंवारी कन्याओं को कहीं से उठा लेते थे और उसके साथ तंत्र मंत्र करने लगते थे, तो इसका भी एक भय का माहौल था। और ये स्वाभाविक था कि वो तंत्र करते थे और किसी को लड़की उठा लेते थे और आम लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था, स्वाभाविक सी बात है कि आप ऐसा करेंगे। तो बौद्ध धर्म के चरित्र में भी जो पतन हुआ तंत्रयान और बद्रयान की वजह से, इसी कारण आम लोगों से उनकी दूरी पड़ी। दूसरी जो बड़ी बात हुई कि आप देखेंगे कि इस पूरे इलाके में पाल वंश के बाद सेन वंश बंगाल में सत्ता में आया, और बिहार में मिथिला के इलाके में कर्नाट वंश। ये दोनों वंश जो है, वो आज ही मैं पढ़ रहा था, कर्नाटक के इलाके से एक राजा आया था, वेस्टर्न चालुक्य के राजा, उनके साथ ये लोग आए थे, और ये लोग बौद्ध विरोधी थे और हिंदू धर्म के समर्थक थे। इन्होंने अपने इलाके में बौद्ध धर्म को मतलब हटा के हिंदू धर्म की स्थापना करने के काफी प्रयास किए। तो जाहिर सी बात है कि उस जमाने में जो ये तीन शिक्षण केंद्र रहे होंगे, तेल्हाड़ा था या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस जमाने में अगर ये नालंदा और विक्रमशिला कम से कम थे तो ये उनकी राह में बाधा थे। जैसे कि आज जेएनयू को लेके एक पूरा माहौल बन गया है कि जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा है, उसी तरह से उस समय के शासकों ने वो माहौल बनाया होगा कि विक्रमशिला और नालंदा जो है वो इसका तांत्रिकों का अड्डा है, जादूगरों का अड्डा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ठगते हैं। तो किसी भी शासक के लिए किसी भी विश्वविद्यालय के खिलाफ माहौल बनाना बहुत आसान होता है, जो आज के उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं कि जेएनयू को किस तरह से एक गलत मेटिफ उसके साथ जोड़ दिया गया है। और हम किसी भी आम आदमी से आप पूछेंगे तो बताएगा नहीं, जेएनयू तो देशद्रोहियों का अड्डा है, वहाँ सुअर का गाय का मांस खाया जाता है और भी कई तरह की चीजें उसके बारे में जोड़ दी जाएगी। तो वो जब सत्ता बदलती है तो उस तरह की चीजें भी होती है। तो इसलिए अगर आप सोचिए कि पाल वंश का शासन रहा होता, तब अगर कोई उसको जलाने आया होता, तब क्या वो पाल वंश के साथ उसको जलाने देते? नहीं जलाने देते। ये सत्ता परिवर्तन का भी वजह है, का भी के वजह से भी हुआ, और दूसरा कि बद्रयान और तंत्रयान के साधकों की जो गलत परंपराएं थी उसकी वजह से भी लोगों का दुराव हुआ। इन दोनों वजहों से मुझे लगता है कि इन शिक्षण संस्थाओं का पतन हुआ है, और ये आम लोगों को शिक्षण संस्थाओं से नहीं जोड़ा जा सकता है। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह के विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षण संस्थाओं से आम लोगों को क्या जोड़ा जा सकता है। छोटे छोटे कोर्स उनके लिए शुरू जरूर किए जा सकते हैं, लेकिन किसी इलाके में अगर IIT हो या IIM हो, उसमें आम लोगों को कैसे आप जोड़ेंगे? उनके लिए एक अलग पाठ्यक्रम जरूर शुरू कर सकते हैं, वहाँ के छात्रों आम लोगों के बीच में जाके कुछ शोध जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो तो उच्चतर शिक्षण केंद्र है, वहाँ जो भी पढ़ेगा मिनिस्ट्रीम में वो तो जहाँ का भी अच्छा स्टूडेंट होगा वही आगे पढ़ेगा, जिसकी रुचि उस उच्च शिक्षा में हो। जी सर, आज जो आज के जो हमने परिचर्चा रखा है उसके जो अब ये अंतिम पड़ाव की तरफ है, तो सर से हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि आखिर में इस विश्वविद्यालय के पुनः स्थापना करने पर
और उसके संरक्षण करने पर आपकी क्या राय है, क्योंकि तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय को बिहार सरकार ने दुनिया के सामने तो ला दिया, परंतु को संरक्षण की जो प्रक्रिया होती है उस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाए, और पुनर्निर्माण की जो जैसे विक्रमशिला का पुनर्निर्माण का के बारे में तमाम घोषणाएं हुई और तेल्हाड़ा के बारे में भी घोषणा हो रखी है, तो सर इसको कैसे हम पुनः धरातल पे स्थापित कर पाएंगे, सरकार या जो आम जन है कैसे इस सिलसिले में काम करे कि ये जो पुनः धरातल पे वापस आ पाए, तो इस पर सर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि तेल्हाड़ा हो, विक्रमशिला हो या नालंदा हो, ये सब आज से 1000-1500 साल पहले के विश्वविद्यालय हैं। कुछ और भी पुराने हैं समय के विश्वविद्यालय हैं। उस समय की जरूरतों, उस समय की सत्ता, उस समय के संदर्भों के हिसाब से ये विश्वविद्यालय शुरू हुए थे और उस समय के हिसाब से उनका महत्व भी था, उस समय के हिसाब से लोग वहां पढ़ने आते भी थे। उसको आज रिपीट नहीं किया। हाँ, तो अभी जो उसके अवशेष मिले हैं उनका महत्व सिर्फ म्यूजियम की तरह है, उनका महत्व सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट की तरह है जहाँ लोग जाके देखें, समझे और उसको याद करें। उस नाम से हम दूसरा विश्वविद्यालय शुरू करेंगे उसका कोई मतलब नहीं। उस नाम को आप छोड़ दीजिए, नाम कुछ भी रखिए। हाँ, उससे हम सीख सकते हैं कि उस समय की पढ़ाई लिखाई की परंपरा कैसी थी, उस समय शिक्षक और छात्र के बीच संबंध कैसे थे, प्रशासन कैसा था, आखिर क्या खूबी थी, उनकी खूबियों को हम समझें और उस खूबी के आधार पर बिहार के जो शिक्षण संस्थान अभी पहले से है, पटना विश्वविद्यालय का भी कभी बहुत नाम हुआ करता था, तो हमारे जो अपने शिक्षण संस्थान हैं उसमें उस पैटर्न को लागू करें जो पैटर्न नालंदा, तेल्हाड़ा और विक्रमशिला में था, जिसकी वजह से उसकी दुनिया में ख्याति थी, उस पैटर्न को लागू करें अपने शिक्षण संस्थानों में, नया जो खुलता है उसमें उस पैटर्न को लागू करें। ये नहीं कि आप उसके नाम पर, नालंदा के नाम पर एक और नालंदा खोल दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है, कॉपी कॉपी ही होता है, कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी अच्छाइयों को सीख के वर्तमान माहौल के हिसाब से कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाए तो वो ज्यादा बेहतर। जी सर, काफी आपके अनुभव जो थे काफी हम लोगों को लाभान्वित करेंगे करेगा, और काफी सर ने अच्छा कहा कि कॉपी कॉपी होता है, अगर हम जो इतिहास है हमारा जो उससे हम सीख करके और उन गलतियों को हम दोहरा ना दोहराते हुए और नए बेहतर की तरफ अगर हम हैं 21वीं शताब्दी की तरफ चलते हैं, ना कि प्राचीन में वापस हम जाते हैं, तो अगर आगे बढ़ना है तो हमें बेहतर करना होगा और उससे भी बेहतर के कुछ तरफ कुछ बढ़ना होगा। काफी सारा विचार रहा कि हम कॉपी ना करें और उसकी जगह पर हम नए बनाएं और उस जो वहाँ के संस्कृति कल्चर और जो चीजें थी उसको हम एडॉप्ट करें और नए विश्वविद्यालयों में हम उससे लागू करें। काफ़ी अच्छा रहा सर, और आपके जो कुछ जो बातें थी कि जो विश्वविद्यालय के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आपने हमारे साथ जुड़कर इस संवाद श्रृंखला के दूसरे अंक में आप जुड़कर बिहार की जो वर्तमान समस्या और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पे जो आपका व्याख्यान हुआ उसके लिए